आया गया तुम्हारे काम आएगा ये निश्चित एक पत्र है जिसमें उन्होंने पूरी मेडिकल की रिपोर्ट लगाई है। देखिए अब मेडिकल के कितने पर्चे लगाए हैं वो देखिए आप, पूरी रिपोर्ट है जितनी लगा सकते थे वो पूरी रिपोर्ट मेडिकल की उन्होंने कम से कम लगभग होंगे 60-70 से ज़्यादा पर्चे मेडिकल के। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर निवासी मांडली तहसील बरोरा जिला चंद्रपुर, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापस हाथ हिलाओ। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर निवासी मांडली तहसील बरोरा जिला चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई गुरुजी, मैं उनको नागपुर न्यू इरा हॉस्पिटल लेकर गई, वहाँ जांच के बाद पता चला कि मेरे पति का लीवर पूर्ण तरह से खराब हो गया है, ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया था, आप लोग पर्चा, आप लोग जो पत्र है इसको टीवी चैनल पर पढ़ भी रहे होंगे, खर्चा 35 लाख रुपए बताया गया गुरुजी, 90% लीवर खराब हो गया, मेरे पास दुख का पहाड़ आन पड़ा। तभी मेरी जेठानी नागपुर से शिवपुराण कथा सुनने गई, नागपुर में जब शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो वो सुनने के लिए गई, और वहाँ से उस समय पर किसी कारणवश उनका व्यासपीठ पर जाना हुआ और व्यासपीठ के बेलपत्र वो मांगकर लेकर आई, वो बेलपत्र पूरी तो उनको नहीं मिल पाई थी क्योंकि आपके यहाँ व्यासपीठ पर भीड़ बहुत थी, तो बेलपत्री का केवल एक पत्ता उनको मिला था, उसमें से आधा पत्ता उन्होंने मेरे को दिया। अब आधा पत्ता जो प्राप्त हुआ, जेठानी ने वो पत्ता मुझे दिया आधा, और आधा खुद ने रखा और कहा ये भैया जी के शरीर पर ये बेलपत्री का पत्ता रखवा देना या उनके पास में रख देना, बाबा अच्छा कर देगा। मैं शिव पुराण की कथा सुनकर आई, हमने कहा वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, अंदर जाने नहीं देंगे, उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, 90% काम कर रहा है और डॉक्टरों के हिसाब से पूर्ण तरह से शरीर बेकार हो चुका है। मेरी जेठानी ने कहा क्यों चिंता करते हो, सीओर वाले महाराज ने रात्रि को 9:15 का एक उपाय बताया है, वो 9:15 वाला उपाय रोज करना प्रारंभ करो, मेरा विश्वास कहता है कि ये ठीक होंगे। हमने रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी रुमाल गीला कर दे देते और वेंटिलेटर पर उनके शरीर पर लगा देते, वो आधा पत्ता जो बेलपत्री का था वो उनके पलंग पर उनके पास में डॉक्टर से पूछ के रगवा दिया गया। रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जिस दिन हमने पत्ता रखा उसके दूसरे दिन ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वेंटिलेटर से उतार कर उनको ICU में लाकर भर्ती करा। जब ICU में भर्ती करा तब हमारा विश्वास और जागृत हो गया, फिर हमने 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा जो रात्रि का आपने बताया है वो करना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का पानी उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। अब ICU में हम भी जा सकते थे, उनको बूंद बूंद पानी देना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से आज उनका लीवर फिर काम करना प्रारंभ कर दिया और उनका लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को और उनके हस्बैंड श्री राजकुमार जी, हस्बैंड श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि जिन्होंने शिव महापुराण की कथा यहाँ करवाई और हमको सुनने का मौका दिया। साधुता है आपको, बैठिए, श्री शिवाय नम, एक हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अब ठीक है बाबू, घर आ गए आनंद, बैठिए, शंभु है शिवाय, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता।